सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के छठे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं उसके बाद आप अपने सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, कथनानि पठित्वा आम अथवा न कथयन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने कथन दिए हुए हैं इनको पढ़कर उनके सामने आपको आम अथवा न लिखना है और कहना है। यहाँ पर आपका पहला कथन है, भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। भारत माता वीरों को पैदा करने वाली है। यह कथन आपकी पुस्तक में उदाहरण के रूप में दिया गया है और यह आपके पाठ के अनुसार भी सही कथन है, इसलिए इसके सामने आम लिखा हुआ है। आपका जो दूसरा कथन है वह है, गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसी। गुंजन सक्सेना वीर बालिका थी। आप इसके सामने आम लिख दीजिए क्योंकि यह कथन आपका सही है। गुंजन सक्सेना मातृभूमि ही सेवार्थम स्वजीवनस्य चिंताम आकरोत। गुंजन सक्सेना जो वीर बालिका है वह मातृभूमि की सेवा के लिए अपने जीवन की चिंता करती है। यह कथन आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने ना लिख दीजिए। गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थायाः छात्रा आसीत। गुंजन सक्सेना डीएवी इस प्रकार की जो संस्था है उसकी छात्रा थी। यह कथन आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। गुंजन सक्सेना भारत की दूसरी महिला विमान चालिका थी। यह कथन आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने ना लिख दीजिए। गुंजन सक्सेना निर्भयम विमानम आचालयत। गुंजन सक्सेना बिना किसी भय के विमान को चलाती थी। यह कथन आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। आप अपने कथनों को जो आम अथवा ना में उत्तर देंगे वह सभी उत्तर आपके पाठ के अनुसार ही होने चाहिए, तभी आप अपने कथनों का आम अथवा ना में सही उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 की, मंजूषायाम पर्दत पदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यह जो इन्होंने आपकी एक मंजूषा दी हुई है उनमें से आपको उचित शब्दों को चुनकर अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ। यहाँ पर मंजूषा में भी मैंने आपकी क्रम संख्या डाली हुई है और आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति मैं आपकी पहले ही कर चुकी हूँ। आपका जो पहला वाक्य है उसमें आपका गुंजन सक्सेना एका वीर बालिका आसीत। यह आपका वाक्य पूर्ण होगा। सा वायुसेना परावृष्ट। तृतीय जो आपका वाक्य है, सा प्रथमा भारतीया महिला विमान चालिका आसीत। सा सैनिकेभ्य आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्। सा बालिका सदैव स्मरणीय। इस प्रकार आप अपने पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। यह जो आपकी मंजूषा में इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं उनमें से आपको इन वाले पदों का विपरीत पद चुनकर भरना है। यह कार्य भी मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ। जैसे जननी का जो आपका विपरीत है वह आपका है जनकः। जननी का अर्थ होता है माता और जनक का अर्थ होता है पिता। रुग्णान का जो विपरीत है वह आपका है स्वस्थान। रुग्णान का अर्थ होता है रोगी को, स्वस्थान का अर्थ होता है स्वस्थ को। छात्रा का विपरीत है छात्र। छात्रा का आप जानते हैं जो बालिका छात्र रूप में होती है वह इसका अर्थ है, और छात्र जो बालक रूप में होता है वह उसका अर्थ है। महिला का अर्थ आप जानते हैं। महिला का जो विपरीत है वह आपका है पुरुषः। उसका अर्थ भी आदमी होता है, यह भी आप जानते हैं। वीरांगना, वीरांगना का अर्थ है आपका साहसी। आपका इसका विपरीत है वीरः। वीर का अर्थ होता है आपका वीर। इस प्रकार आप इन शब्दों के विपरीत शब्द अपनी मंजूषा से चुनकर भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, पाठम पठित्वा एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च।
आप अपने पाठ को पढ़ने के बाद इन वाले प्रश्नों का उत्तर एक पद में दीजिए। यह जो इन्होंने ब्रैकेट में दो पद दिए हुए हैं उनमें से आपको सही पद चुनकर इन वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें आपका जो प्रश्न है, भारत माता केषां जननी अस्ति, भारत माता किसकी जननी है, तो आपके इस वाले प्रश्न में जो सही उत्तर है वह आपका वीराणाम की, वीरों की जननी है। तो आप अपने इन दो वाले पदों से जो आपका सही पद है वह आपका वीराणाम है उसको चुनकर आप यहाँ पर भर देंगे। गुंजन सक्सेना कस्य चिंताम ना आकरोत, गुंजन सक्सेना किसकी चिंता नहीं करती। इस वाले प्रश्न के उत्तर में जो इन्होंने दो पद दिए हुए हैं उसमें से सही पद है आपका स्वजीवनस्य यानी कि अपने जीवन की। यह पद चुनकर आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे वह आपका है स्वजीवनस्य। सा वीर बालिका किमर्थम वायुसेनाम प्राविश, वह वीर बालिका किस लिए वायुसेना में प्रवेश करती है। आपका इस वाले प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है मातृभूमि सेवार्थम, कि मातृभूमि की सेवा के लिए। तो आपने इन दो पदों में से सही पद चुनकर यहाँ पर भर देंगे जो आपका है मातृभूमि सेवार्थम। गुंजन सक्सेना निर्भयम किम आचालयत, गुंजन सक्सेना बिना भय के क्या चलाती है। इस वाले प्रश्न के उत्तर के लिए जो आपके दो पद इन्होंने दिए हैं उनमें से आपका विमानम आपका सही पद है उसको चुनकर आप यहाँ पर लिख देंगे। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा विमानम। गुंजन सक्सेना कस्य उच्च आदर्शम अस्थापित, गुंजन सक्सेना किसका उच्च आदर्श स्थापित करती है। तो इस वाले प्रश्न के लिए जो आपका सही पद है वह आपका है कर्तव्य पालन से, की कर्तव्य पालन का। तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा कर्तव्य पालन से। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो इन्होंने आपके प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना आप जानते ही हैं क्योंकि अब से पहले आप बहुत सारे पाठों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दे चुके हैं। इसमें आपका जो प्रश्न है, गुंजन सक्सेना कीदर्शी बालिका आसीत, गुंजन सक्सेना किसके समान या कैसी बालिका थी। तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है गुंजन सक्सेना वीर बालिका सदर्शी बालिका आसीत, कि गुंजन सक्सेना वीर बालिका के समान बालिका थी। यह वाला जो प्रश्न है यह मैं अपने अनुसार करा रही हूँ। यदि आपकी शिक्षिका आपकी कक्षा में इससे भिन्न कोई इस वाले प्रश्न का उत्तर कराती है तो आप अपनी शिक्षिका के अनुसार ही इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। गुंजन सक्सेना कस्य महाविद्यालय से छात्रा आसीत, गुंजन सक्सेना किस महाविद्यालय की छात्रा थी। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है गुंजन सक्सेना हंसराज महाविद्यालय से छात्रा आसीत, गुंजन सक्सेना हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थी। गुंजन सक्सेना कुत्र विमानम आचालयत, गुंजन सक्सेना कहाँ पर विमान चलाती थी। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम आचालयत, गुंजन सक्सेना युद्ध के मैदान में विमान चलाती थी। गुंजन सक्सेना कान आरक्षत, गुंजन सक्सेना किसकी रक्षा करती है या गुंजन सक्सेना किसको बचाती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है गुंजन सक्सेना रुग्णान आहतान च सैनिकान आरक्षत, गुंजन सक्सेना रोगियों को और घायल हुए सैनिकों की रक्षा करती है। वयम वीर बालिकाम कदा स्मरस्यामः, हम सब वीर बालिका को कब याद करेंगे। इस वाले प्रश्न का उत्तर है वयम वीर बालिकाम सदैव स्मरस्यामः, कि हम सभी वीर बालिका को हमेशा याद करेंगे। इस प्रकार आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपकी, स्थूल पदानाम स्थानेषु कोष्ठात उचितम पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि रचित्वा वदन्तु लिखन्तु च। ये जो आपके पदों में इन्होंने स्थूल पद दिए हुए हैं उनके स्थान पर आपको अपने कोष्ठ में से सही पदों को चुनकर प्रश्न वाक्यों का निर्माण करना है। आपका जो वाक्य है वह है आपका भारत माता वीराणाम जननी अस्ति, इस वाले वाक्य में जो आपका स्थूल पद है वह आपका है जननी। जननी के स्थान पर आप अपने इन तीन पदों में से सही पद चुनेंगे वह आपका है का, क्योंकि जननी जो आपका शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति एकवचन का शब्द है। तो आप अपने प्रश्नवाचक में भी स्त्रीलिंग के
जो आपका किम सर्वनाम का शब्द है वह आपका है का, उसका आप प्रयोग करते हुए अपने वाक्य का प्रश्न निर्माण करेंगे। तो आपका वाक्य बनेगा भारत माता वीराणाम का अस्ति। आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। अनेके वीर बालकः भारत भूमौ उत्पन्नः अभवन्। इस वाले वाक्य में आपका भारत भूमौ स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कुत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो भारत भूमौ है वह आपका स्थानवाचक शब्द है। स्थानवाचक में आप जानते हैं कि जो आपका अव्यय पद होते हैं प्रश्नवाचक में, उसमें आपका कुत्र का प्रयोग होता है। आपका वाक्य बनेगा अनेके वीर बालकः कुत्र उत्पन्नः अभवन्। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। आपका अगला वाक्य है सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत। इस वाले वाक्य में विमान चालिका आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विमान चालिका जो आपका पद है वह आपका स्त्रीलिंग का पद है। तो आप अपने इन पदों में से स्त्रीलिंग वाला पद प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य बनेगा सा प्रथमा भारतीय का आसीत। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्। इस वाले वाक्य में सैनिकेभ्यः आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप केभ्यः का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सैनिकेभ्यः जो आपका पद है वह आपका पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का शब्द है। तो आप अपने किम सर्वनाम से पुल्लिंग वाले भाग से ही अपनी चतुर्थी विभक्ति एकवचन वाला पद प्रयोग करेंगे, जो आपका है केभ्यः। आपका वाक्य बनेगा सा केभ्य आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम् अचालयत। इस वाले वाक्य में जो आपका विमानम पद है वह आपका स्थूल पद है, विमानम के स्थान पर आप इन तीन पदों में से किम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विमानम आपका नपुंसकलिंग का पद है। तो आप अपने इन तीन पदों से नपुंसकलिंग वाला पद ही प्रयोग करेंगे, जो आपका है किम। आपका वाक्य बनेगा गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे किम आचार्यत। इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप अपने प्रश्न वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होना चाहिए, तभी आपका वाक्य सही होगा। यहाँ पर आपका मूल्यात्मक प्रश्न है, मूल्यात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। जो आपके मूल्यात्मक प्रश्न होते हैं वह आपको स्वयं ही करने होते हैं। आप इसकी केवल हिंदी समझ लीजिए, जिससे आप इसको आसानी से कर सकें। भवन्तः अपठन् यत् गुंजन सक्सेना राष्ट्र सेवायै भारतीय वायुसेना परिविशत। आप सभी ने पढ़ा कि गुंजन सक्सेना ने राष्ट्र की सेवा के लिए भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया। भवान भवति देश सेवायै किं कर्तुम इच्छन्ति। आप भवान आप जानते हैं पुल्लिंग के लिए, और भवति आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वह आपका आप होता है, कि आप देश की सेवा के लिए क्या करने की इच्छा करते हैं। इति विचार्य कक्षायाम वदन्तु। इस प्रकार विचार करके आपको कक्षा में बताना है। गतिविधि, गतिविधि प्रश्न भी आपको स्वयं ही करना होता है। यह आपका कार्य खुद करने के लिए है, क्योंकि सभी कार्य आपकी शिक्षिका नहीं करती, कुछ कार्य आपको स्वयं भी करने होते हैं। तो आपके जो मूल्यात्मक प्रश्न और गतिविधि प्रश्न है, यह आपको अपना पाठ समझने के बाद स्वयं करने होते हैं। गुंजन सक्सेनायाः विषये अन्यां सूचनां अन्विष्य संकलनं कुर्वन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु। गुंजन सक्सेना के विषय में अन्य सूचनाओं को खोजकर और इकट्ठा करने के बाद आप अपनी कक्षा में सुनाइए। यह आपकी गतिविधि प्रश्न है। इसके लिए आप गूगल की सहायता ले सकते हैं। आप अपने फ़ोन पे या लैपटॉप या कंप्यूटर, जहाँ भी आप चाहें, गूगल पर गुंजन सक्सेना लिखेंगे तो आपको गुंजन सक्सेना के विषय में बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो अपना वहाँ से सूचनाओं को इकट्ठी करने के बाद अपनी कक्षा में गुंजन सक्सेना के विषय में चर्चा कीजिए और अन्य छात्रों को भी बताइए। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।